जिले के 130 तीर्थयात्रियों के लिए वर्णी मुस्लिम तीर्थयात्री कोरोना के चलते पिछले 2 साल से हज पर नहीं जा पाए थे, लेकिन अब सऊदी अरब की अनुमति से श्रद्धालु इस साल भारत से हज यात्रा पर जाएंगे। आइए देखते हैं। इसके लिए रविवार को हज के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों को खामगांव शहर उपजिला अस्पताल में टीका लगाया गया। मुस्लिम समाज में हज यात्रा का एक अनूठा सामान्य महत्व है, इसलिए देश भर में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने हज कमेटी के जरिए हज यात्रा के लिए नंबर लगाए। हज यात्रा पिछले 2 सालों से कोरोना के उभार और कड़े निर्बंधों के कारण बंद थी। इस साल सऊदी अरब सरकार की अनुमति से तीर्थयात्रियों ने हज यात्रा के लिए नंबर लगाए थे। इस साल बुलढाणा जिले के 130 से ज्यादा श्रद्धालु हज के लिए जाएंगे। हज यात्रा की तैयारी में हज समिति भक्तों ने इन्फ्लुएंजा 6, पोलियो और अन्य 3 भेंट करती है। शहर के उपजिला अस्पताल में टीकाकरण अभियान चलाया गया। रविवार को 70 श्रद्धालुओं का टीकाकरण किया गया। खिदमत में हज्जाज कमेटी के प्रशिक्षक ने बताया कि शेष श्रद्धालुओं का 13 जून को बुलढाणा में टीकाकरण किया जाएगा। मोहसिन खान प्रशिक्षक हज समिति। सिविल हॉस्पिटल में आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया था, इसके अंदर अभी तकरीबन यहाँ पे 70 हज्जाज यहाँ पे आए, जिसमें टूर ऑपरेटर्स भी है और हज कमेटी की भी है अलहमदिल्ला। और दूसरा वैक्सीन जो है अलहमदिल्ला वो बुलढाणा के अंदर होगा 13 तारीख को, तो वहाँ पे भी हज्जाज पहुँचे। और हज्जाज जो है अभी अलहमदिल्ला 18 जून से 3 जुलाई का शेड्यूल है मुंबई का। डॉक्टर वकार, चिकित्सा अधिकारी, BCN न्यूज़ के लिए लोनार से शेख समत की रिपोर्ट।